दोस्तों आज हम कवर करेंगे जीके और साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस के बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो दोस्तों आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करें तो पंजाब और बिहार में सर्दियों की औसत मिलीमीटर वर्षा होती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे और दोस्तों अपना जो आंसर लगा के जितना भी स्कोर हो आपका 20 में से वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए 18 से 25 मिलीमीटर। देखिए दोस्तों पंजाब और बिहार के अंदर सर्दियों में औसत कितनी वर्षा होती है ये हमें बताना था, तो दोस्तों 18 से 25 मिलीमीटर यहाँ पर आपकी वर्षा होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बात करें दोस्तों मौसम वायुमंडल की कौन सी अवस्था है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन ए क्षणिक। देखिए दोस्तों मौसम जो है वायुमंडल की एक अवस्था है और दोस्तों वो है क्षणिक अवस्था, ठीक है, ये ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो यहां पर दो स्टेटमेंट दी हुई है दोस्तों, इनको पढ़िए और फिर अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है। देखिए दोस्तों ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, मानसून से अभिप्राय ए ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमित हो जाता है, और दोस्तों दूसरी है भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, तो दोनों ही ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है ये सी ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हिमालय क्षेत्रों में वर्षण मुख्यतः किस रूप में होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है हिमपात के रूप में, बी ऑप्शन है वर्षण जल की बूंदों के रूप में, सी ऑप्शन दोनों रूपों में, डी किसी भी रूप में नहीं, तो दीजिए अपना राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दोनों रूपों में। देखिए दोस्तों हिमालय में जो वर्षा होती है वो दोनों रूपों में होती है, हिमपात के रूप में भी होती है और जल की बूंदों के रूप में जो बाकी अदर स्टेट में या अदर जगह पे होती है, तो दोस्तों ये दोनों प्रकार के यहाँ पर वर्षण पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो ऑप्शन आपके सामने है मणिपुर मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, अगर आपको पता है तो लगाइए आंसर। ऑप्शन बी मेघालय। देखिए दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मेघालय में, और दोस्तों मानिसराम में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन है, छोटी समिति कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन ए के एम मुंशी। देखिए दोस्तों छोटी समिति कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो के एम मुंशी थे, ठीक है, ध्यान रखें काफी इंपॉर्टेंट है ये, संविधान सभा से दोस्तों ये क्वेश्चन था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर दोस्तों आपके ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन ए एस वरदाचरियार। देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये संविधान सभा की दोस्तों जितनी भी यहाँ पर समितियाँ बनाई गई थी उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचरियार, ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेयर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ज़्यादातर वीडियोज़ में देखने को नहीं मिलते होंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो हम बेस्ट से बेस्ट जीके क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो दोस्तों प्रारूप समिति जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी संविधान सभा के अंदर, तो इसका गठन कब हुआ ये हमें बताना है, तो आपके ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947 को, भारत आजाद हुआ दोस्तों अपना देश 15 अगस्त 1947 को, और 29 अगस्त को दोस्तों प्रारूप समिति की का गठन कर दिया, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि संविधान आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, अध्यक्ष सहित आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन बी 7। देखिए दोस्तों अध्यक्ष को मिला दे तो प्रारूप समिति के अंदर सदस्य हो जाएंगे 7, अगर अध्यक्ष की बात नहीं करते दोस्तों तो वहां पर 6 सदस्य हो जाएंगे और एक अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें आप, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, तो यहां पर दोस्तों आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, बाकी हाइड्रोकार्बन्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, दोस्तों ये सब वायुमंडल एटमोस्फेयर को अपना पोल्यूट करते हैं, तो वायुमंडलीय प्रदूषक हो जाएंगे तीनों, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रदूषक नहीं है वायुमंडलीय। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें पर्यावरण के क्वेश्चन भी हैं, ताकि दोस्तों जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है ये आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किया, तो यहां पर दोस्तों आपके ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन बी टेंसले ने। देखिए दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया या प्रतिपादित किया दोस्तों टेंसले ने। किसने किया था दोस्तों? टेंसले ने किया था। तो दोस्तों मेरे साथ यहां पर याद करते हुए चले, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल एग्जाम के अंदर ध्यान आएगा, बस थोड़ा सा सीरियस होके मन लगा के पढ़े तो आप दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर पाओगे एग्जाम को। साल में एक बार एग्जाम आता है दोस्तों, बिल्कुल लाइटली ना ले। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों बात करें, होमोस्पियंस का विकास हुआ था तो दोस्तों कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन बी प्लिस्टोसीन में। देखिए दोस्तों, होमोस्पियंस का विकास कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था प्लिस्टोसीन में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है अपने शरीर के अंदर, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन बी आरबीसी। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों, उसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है, एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे दोस्तों बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी रेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस रूप में होता है? तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए दोस्तों, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस रूप में होता है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ठीक है। था ना बढ़िया क्वेश्चन? तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन हम इंक्लूड करते रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, एम्फाइसीमा अवस्था उत्पन्न होती है, तो दोस्तों किस वजह से होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन ए सिगरेट पीने से, सिगरेट पीने से या फिर धूम्रपान करने से दोस्तों एम्फाइसीमा अवस्था उत्पन्न होती है। किस वजह से दोस्तों? सिगरेट या धूम्रपान करने से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों बात करें, पाश्चर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यहां पर दोस्तों आपके ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए आराम से ठंडे दिमाग से। ऑप्शन बी रोगों का जर्म सिद्धांत। देखिए दोस्तों, पाश्चर ने, लुई पाश्चर इनका नाम था पूरा, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों? रोगों का जर्म सिद्धांत, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, कवकों का, लाइकेनों का, जीवाणुओं का, शैवालों का, तो दीजिए अपना राइट आंसर। ऑप्शन डी शैवालों का। देखिए दोस्तों, फाइकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है किसका? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों बात करें, किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन सी बीरबल साहनी। देखिए दोस्तों, बीरबल साहनी एक वैज्ञानिक थे जिनको दोस्तों भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक कहते हैं। किसका? भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक बीरबल साहनी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके दोस्तों, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन सी ड्रेंड्रो क्रोनोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इसके ये अध्ययन होता है दोस्तों, जो वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एक स्टडी है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बात करें दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए।
ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन। देखिए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक थे ये एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और दोस्तों भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण भी दिया था। तो दोस्तों ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें साइंस के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए थे, पर्यावरण के भी थे दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन थे। और इसी प्रकार के जीके क्वेश्चन की वीडियोज हम बनाते रहते हैं दोस्तों। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर पहली बार आए तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे दोस्तों, ठीक है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।